वे परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारे पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को मालूम है कि जब बीएसपी के नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो खासकर किसान वर्गों के लोगों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा है। उनको खेती करने के लिए उनको समय से सुविधाएं दी हैं, उनकी फसल का उचित दाम दिया है। खासकर आपका ये जो क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। लेकिन यहाँ की इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने इस मामले में पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन संप्रदाय एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। दहशत इन वर्गों में वर्तमान में तो काफ़ी दहशत का वातावरण व्याप्त है, ये सब किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंद साई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।